हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, आज है 28 फरवरी और शुरू करते हैं आज के धमाकेदार करंट अफेयर्स। और देखें हमारा सबसे पहला करंट अफेयर क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। इंडिया इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स के अंदर इस बार जो है वो इंडिया का रैंक जो है वो पूछा गया है इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में। पहले तो ये आईपी इंडेक्स होता क्या है, देखो आईपी का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए जी कभी कभी इंटेलेक्चुअल शब्द का मतलब क्या होता है, जो इंसान अपना दिमाग यूज़ करे, जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में माहिर हो, ठीक है, जैसे कि वो लिटरेचर लिख रहा है या फिर कोई चीज़ बना रहा है, ठीक है जी। तो जो भी बंदा उस चीज़ को बनाता है ना, तो वो उस ज्ञान को जो उसके पास होता है वो उसको यूज़ करता है, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करता है। तो अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए वो जो भी चीज़ बना रहा है ना, दैट कम्स इंटेलेक्चुअल एंड प्रॉपर्टी मीन्स जो उसने बनाया है, ठीक है जी। अब वो पर्सन कुछ भी बना सकता है, मान लीजिए उसने किसी कंपनी के लिए लोगो बना लिया या खुद की कंपनी के लिए लोगो बना लिया, ठीक है। जैसे आप लोग कार वगैरह पे देखते हो, बीएमडब्ल्यू का सिंबल होता है, ऑडी का होता है रिंग्स वाला, तो ये सारा जो सिस्टम है ना, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, कि मतलब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्या कुछ बना रहे हैं। तो ऐसे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है ना बेटा, उसके लिए राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है जी, कि भाई फलाने बंदे ने बनाई है तो कुछ सालों के लिए उसको ये आईपी राइट्स मिल गए हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना, पेटेंट करा लेना, कॉपीराइट ले लेना, ट्रेडमार्क ले लेना, तो ये जो भी एग्जांपल्स आप देखते हो ना, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है। तो अभी उसी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक पूछा है। देखो टोटल 55 कंट्रीज जो है ना, उनका ये मतलब सर्वे किया गया है, और टोटल 55 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया का जो रैंक है वो 42nd नंबर पे है, ठीक है जी। तो ये कितनी कंट्रीज़ को हमने किया है, टोटल इज़ 55 एंड 42nd रैंक जो है वो किसका आया है जी, हमारे इंडिया का आया है, ठीक है जी। तो याद रखना है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। जैसे कि इंडिया का 42nd रैंक है अमंग 55, जैसा कि हमने बात किया। अच्छा, कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इन्होंने रिलीज किया है। 50 इंडिकेटर्स कम से कम इन्होंने लेने हैं पेटेंट और कॉपीराइट के, ठीक है जी। और जैसा कि इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स क्या होता है वो हमने बात की, कि ये क्रिएशंस होते हैं बेटा माइंड के, जैसे कि इन्वेंशन होगी, लिटरेचर, कोई आर्टिस्टिक वर्क हो गया, डिजाइंस बना लिए, सिंबल्स, नेम्स, इमेजेस, कुछ भी आपने बना लिया ना, तो ये सब क्या है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसमें आपने अपने माइंड का इस्तेमाल किया, क्रिएशंस का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो लीगल राइट्स होते हैं जो इन्वेस्टर्स वगैरह को दिए जाते हैं, ऑब्वियसली जिन्होंने इसके लिए पैसा लगाया है या जिन्होंने खुद को क्रिएट किया है, ठीक है जी। बात कर लेते हैं, इंडिया का रैंक तो 42nd है, टॉप कौन करता है, यूएसए, यूके और फ्रांस, ये टॉप 3 कंट्रीज हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे यूएस है, दूसरे पे यूके है, तीसरे पे फ्रांस है। तो इंडिया का रैंक जो है वो काफी मतलब पीछे है, क्योंकि 55 नेशंस का किया है जिसमें इंडिया का रैंक जो है 42nd है, ठीक है। तो इससे आप समझ ही सकते हो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर हम लोग कितने वीक हैं, और कितना हम लोगों का जो कोई भी बंदा कोई भी क्रिएशन करता है उसका कॉपी कितनी जल्दी हो जाता है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से संबंधित, तो ध्यान रखना है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, यूनियन होम मिनिस्टर अड्रेस्ड, मतलब यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, वो वहाँ पे पहुँचे थे, कहाँ पे जी, कोल जनजाति महाकुंभ, ठीक है। एक फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम है कोल जनजाति महाकुंभ, तो मतलब समझ गए हो कि कोल नाम की कोई जनजाति है, यानी कि ट्राइब है, ठीक है। उस ट्राइब का कोई ना कोई फेस्टिवल जो है वो हुआ है, और उस फेस्टिवल के अंदर हमारे अमित शाह जो है वो पहुंचे हैं, ठीक है जी। सो इस फेस्टिवल को कहाँ पे किया गया जी, कोल ट्राइब की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और कुछ और पार्ट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा हैं। जैसे ओडिशा में भी आपको मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर इनका जो एरिया है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है जी। सो मध्य प्रदेश के अंदर ही ये फेस्टिवल हुआ, और इस फेस्टिवल को एड्रेस किया हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने, ठीक है जी। सो इसके बारे में थोड़े कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा।
ये शबरी माता जन्म जयंती के ऊपर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है। तो कोल जनजातियों ने उस फेस्टिवल के दिन शबरी माता जो है, आपने सुना होगा कि शबरी ने माता ने जो है राम जी को झूठे बेर खिलाए थे अपने, ठीक है जी। तो ये वही शबरी माता है। तो शबरी माता की जन्म जयंती जो है सतना मध्य प्रदेश में सेलिब्रेट की गई और वहीं पर कोल ट्राइब ने अपना क्या किया है, जनजाति महाकुंभ ऑर्गेनाइज किया, ठीक है जी। कोल ट्राइब्स जो हैं वो ज़्यादातर, जैसा कि हमने बात किया, मध्य प्रदेश में और कुछ ओडिशा में और महाराष्ट्र में भी आपको मिलेंगे। लोकल डायलेक्ट ये हिंदी ही बोलते हैं हमारी तरह, और देवनागरी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई स्क्रिप्ट पूछ लेना बेटा, तो देवनागरी का ही ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। कोल रिवोल्ट या अपराइजिंग की हम बात करें, तो जो कोल है वो ट्राइबल पीपल है, यानी कि उस समय अंग्रेज़ों के समय छोटा नागपुर प्लेट्यू में इन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1831 के अंदर रिवोल्ट छेड़ दिया था, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे ट्राइबल रेवोल्यूशंस आप लोगों ने देखे होंगे, रिवोल्ट्स देखे होंगे, आप लोगों ने पढ़े होंगे अपने बुक्स के अंदर, ठीक है जी। तो इन लोगों के बारे में सवाल याद रखना। तो कोल अपराइजिंग से भी, बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन आ सकता है हमें, और जो हमारा फोर एंड है वहां से तो क्वेश्चन आ ही सकता है, ठीक है जी। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। बोला था ना भाई, फर्स्ट वाला तो करके ही जाना है, पेपर में छोड़ना नहीं है। टू स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ लिकोराइस, यानी के मुलेठी। अभी जो मुलेठी आप लोग गला साफ करने के लिए मतलब खाते हैं, सेवन करते हैं, आप देखते होगे ना, मुलेठी डंडी सी होती है, इस तरीके के लकड़ी जैसे होते हैं छोटे छोटे, और उनका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, खांसी रुक नहीं रही है, और कुछ सिंगर्स लोग अपना गला साफ करने के लिए भी मुलेठी का सेवन करते हैं, तो उस मुलेठी को हम लोग वैसे लिकोराइस बोलते हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि देखो, हमारे स्टेट के, हमारे इंडिया के अंदर ना प्रोडक्शन जो है ना मुलेठी का, वो थोड़ा कम है, ठीक है। हम माइनर कंट्रीज़ में आते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हो मुलेठी को। तो जी, हिमाचल प्रदेश ने सोचा है कि यार हम लोग अपना कमर्शियल कल्टीवेशन जो है स्टार्ट करेंगे, ये खुद के स्टेट में स्टार्ट करने जा रहे हैं। और कमर्शियल कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कि आप ऐसी फसल उगा रहे हो, कुछ भी उगा रहे हो, जिसको आपने बेचने के ही काम में लेना है, ठीक है जी। तो बेचना है, इनकी स्टेट को, इकोनॉमी को बहुत बेनिफिट होगा, और हो सकता है कि मुलेठी की जितना हम इम्पोर्ट करवाते हैं वो थोड़ा सा इंपोर्ट हमारा कम हो जाए, ठीक है जी। सो इसलिए हिमाचल प्रदेश ने जो है पहली स्टेट बन गई है हमारे इंडिया में, जो कि मुलेठी यानी कि लिकोराइस को क्या करने वाली है, कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेट करने वाली है, ठीक है जी। तो अभी थोड़ा सा मुलेठी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपने कभी खा के तो देखा ही होगा कि इसका मीठा मीठा सा स्वाद होता है, मीठा मीठा सा टेस्ट होता है, और किस वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लिसरीजिन की मात्रा होती है, ठीक है जी, जो कि सुक्रोज से कम 50 गुना ज़्यादा मीठा पाया जाता है, ठीक है। और सुक्रोज, फ्रुक्टोस, ग्लूकोस, माल्टोस, ये सारी हमारी शुगर्स होती हैं, ठीक है। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, आपका जो भी एग्जाम आता है उसमें साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार सीधा ही सवाल आ जाता है कि भाई मुलेठी का स्वीट टेस्ट किस चीज़ की वजह से होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस है, ग्लिसरीजिन की प्रेजेंस है, ठीक है जी, तो याद रखना। सेकंड, इसका यूजेस क्या है बेटा, नेचुरल स्वीटनर है, हर्बल मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है मीठा बनाने के लिए, क्योंकि हर्बल मेडिसिन ज़्यादातर कड़वी ही होती हैं, और अगर उनको मीठा आप पी रहे हैं, अगर आपने मीठी मेडिसिन कोई देखी है ना, तो उसके अंदर मुलेठी वगैरह का जो है इस्तेमाल करते हैं या शुगर डालते हैं, ठीक है जी। कैंडीज़ या तंबाकू बनाने में, टोबैको के लिए भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है इसको, ठीक है। ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे कि चेस्ट हो गया, लंग डिजीज़ होगी, किसी को निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है, मतलब फेफड़ों से संबंधित कोई भी बीमारी, किडनी और हार्ट डिजीज़ हो गई, ठीक है जी, कफ हो गया, लो ब्लड प्रेशर है, लीवर टॉक्सिसिटी है, लीवर सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, और पैंक्रियाटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, तो पैंक्रियाज भी जो है हमारे कई बार फेल हो जाते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये याद रखना, इन चीज़ों के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कल्टीवेशन जो है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से, मुलेठी जो है सबसे ज़्यादा अफगानिस्तान के अंदर ग्रो की जाती है, और कुछ कुछ माइनर कंट्रीज जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और इंडिया के अंदर भी थोड़ा बहुत हम कल्टीवेशन कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में बेटा खपत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हर साल 8,047 टन जो है मुलेठी अफगानिस्तान, चाइना और नेपाल से इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है जी। तो अगर हिमाचल प्रदेश अगर खुद की कमर्शियल मुलेठी तैयार करेगा, बनाएगा, उगाएगा, तो हो सकता है ये जो थोड़े से टन हैं वो थोड़े से कम हो जाएं, ठीक है जी।
चलिए, सो ये था मुलेठी से हमारा सवाल, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज और आयुष, ठीक है, दो मंत्रालय हैं, एक तो मिनिस्ट्री है पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज और दूसरा है आयुष। इन्होंने एक बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल अटेंड किया है, सियांग उइंग फेस्टिवल इन विच स्टेट, क्वेश्चन पूछा है कि किस स्टेट में है, ठीक है। तो आज फेस्टिवल से दो सवाल आ गए हैं बेटा, ठीक है। तो पेपर में ट्राइब, फेस्टिवल, स्पोर्ट्स, ये सब थोड़ा सा ना एक एक आधा आधा क्वेश्चन इसमें आ ही जाता है, और वो आता है तो थोड़ा सा परेशान हम हो जाते हैं कि भाई कहाँ से आ गया, किस किस स्टेट का फेस्टिवल याद रखे। तो मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि किस किस स्टेट का आपने याद करने की जरूरत नहीं है, इतना प्रेशर मत दो दिमाग के ऊपर, और भी बहुत कुछ है जीके में पढ़ने के लिए, लेकिन जो न्यूज में आ रहे हैं ना उसको नहीं छोड़ना, उसकी लिस्ट बनाते चलो कि कहाँ पे हमने कौन सा पढ़ा, कहाँ पे कौन सा पढ़ा, ठीक है। तो एग्जामिनर का फोकस न्यूज से ज्यादा रहता है। सो जी, सियांग उइंग फेस्टिवल है, कहाँ मनाते हैं जी, इसको अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए हम थोड़े से पॉइंट्स इसके बारे में, ये एक जैसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, आदि कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, अरुणाचल प्रदेश की आदि कम्युनिटी, एरिया है बोलेंग अरुणाचल प्रदेश। ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जिसके आप मतलब पता चलता है कि स्प्रिंग सीजन शुरू हो गया है एंड द न्यू ईयर ऑफ आदि कम्युनिटी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि चलो हम न्यू ईयर ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग तो यार अपना जनवरी में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हर धर्म के अकॉर्डिंग अगर हम चल के देखें तो अपने अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा जो नया साल है वो 13-14 अप्रैल के समय ही स्टार्ट हम करते हैं, ठीक है। तो उस समय ही स्प्रिंग सीजन जो है वो आने वाला होता है, उसका ऑनसेट होता है। तो जब स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है ना, तो उससे पहले आने से पहले हम लोग जो हैं अपने नए ईयर को भी सेलिब्रेट करते हैं, और ये लोग भी जो आदि कम्युनिटी वाले हैं वो भी स्प्रिंग फेस्टिवल के आगमन के लिए और अपने नए साल के आने की खुशी के अंदर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिवल का नाम है उनिंग फेस्टिवल, उनिंग फेस्टिवल आदि कम्युनिटी करती है। और ये आदि कम्युनिटी का ओरिजिन बेटा 16वीं शताब्दी में देखा जाए तो ये सदरन चाइना से आए हुए लोग हैं। फिलहाल इनका इनहैबिटेशन मतलब हमारे इंडिया के दिबांग वैली के अंदर है, रोइंग या दम्बूक एरियाज हैं अरुणाचल प्रदेश के, तो ज़्यादातर ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। तो ये सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड आपने याद रखने हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली साइंड एन अग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशंस विमेन, ठीक है। अभी यूनाइटेड नेशंस विमेन, इसको आप शॉर्ट में यूएन विमेन कहते हो, ठीक है जी, यूएन विमेन। देखो यूएन विमेन का काम क्या है, यूनाइटेड नेशन विमेन एक ऐसा ब्रांच है, एक ऐसा विंग है जिसका काम है विमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करना, यानी कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये काम करते हैं। अब हमारे भारत की जो केरला है ना, केरला देखो आपको पता है ना कि केरला का लिटरेसी रेट बहुत हाई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इतना ज़्यादा हाई लिटरेसी रेट होने के बाद भी जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें विमेन का रोल ही है नहीं बिल्कुल भी, ठीक है जी। मतलब अगर विमेन वहाँ पे काम कर रही है टूरिज्म सेक्टर के अंदर तो वो बहुत ही लोअर लेवल पे कर रही है, जैसे कि सफाई कर्मचारी हो गए, क्लैरिकल पोजीशंस हो गई, तो कोई बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर विमेन काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो अभी केरल सरकार चाहती है कि विमेन जो है ना टूरिज्म के क्षेत्र में भी बहुत आगे जाए और अच्छे अच्छे पोजीशंस को एक्वायर करें। सो इसलिए इन्होंने यूएन विमेन के साथ जो है अग्रीमेंट साइन किया है कि हमारे जो इंडिया की विमेन है उसको, केरल की जो विमेन है उसको जो है हमने सशक्त बनाना है, ठीक है। तो यूएन विमेन जो है इनको सपोर्ट करने वाली है, इनको पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है जी। तो देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हमारे पास, तो इंक्रीज द रोल ऑफ विमेन इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, जैसा कि हमने डिस्कस किया, और इनका मिशन है कि विमेन फ्रेंडली टूरिस्ट स्पोर्ट्स जो हैं उनको प्रमोट किया जाए, ठीक है। तो यूएन विमेन ये काम करने वाला है। तो यूएन विमेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा, 2 जुलाई 2010 को इसका फॉर्मेशन हुआ था, और होता क्या है, ये यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। जेंडर इक्वालिटी तो हमें पता ही है कि चाहे आदमी है, चाहे औरत है, चाहे कोई तीसरा जेंडर है, ठीक है जी, उन सब के अंदर देखो इक्वालिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, हमें जेंडर के ऊपर कभी भी किसी भी चीज को लेके भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। तो उसके लिए और विमेन को एम्पावर यानी कि सशक्त करने के लिए, ठीक है जी, हमने जो है इसको शॉर्ट में यूएन विमेन कहते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जो जेंडर इक्वालिटी और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, ठीक है जी। तो जैसा हम लोगों ने पहले पढ़ा था वही पॉइंट्स लिखे हैं, तो इसको देख के आप रिवाइज करना बेटा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री श्री कृष्णा टेम्पल इंट्रोड्यूस्ड अ मैकेनिकल एलिफेंट, वेयर इज द टेम्पल लोकेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक मंदिर के अंदर एक रोबोट एलिफेंट जो है वो लगाया गया है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ये रोबोटिक एलिफेंट है। ठीक है, दिखने में शायद लग रहा होगा कि रियल है, बट इट इज़ अ रोबोट। ठीक है, इस रोबोट को जो है केरल के मंदिर के अंदर, कौन सा मंदिर है जी, श्री कृष्णा टेम्पल है, वहाँ पे इसको लगाया गया है। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ही हुआ है, और हो सकता है कि यही कोशिश करें हम, ये हिस्ट्री ही ना बन के रह जाए, आगे भी ऐसे काम होते रहें। अब इसका मेन रीज़न क्या है? देखो, मेन रीज़न ये है कि आप साउथ इंडिया वगैरह के मंदिरों में अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि साउथ इंडिया के अंदर एलिफेंट्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब पूजनीय माना जाता है। ठीक है, और जनरली एलिफेंट जो हैं साउथ इंडिया में पाए भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, और कभी कभी सड़कें और जंगल के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो एनिमल जो हैं एलिफेंट जो हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, और कई बार सड़क पर तेज़ आते वाहन की वजह से आपस में टकराव हो जाता है, या फिर कभी कभी एलिफेंट जो होता है ना वो क्या कहते हैं हम उसको, कि वो थोड़ा पागल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको प्रॉपरली फीड नहीं कर रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, प्रॉपर उसको खुराक नहीं दे रहे हैं, तो कभी कभी जो है ना वो इरिटेट हो जाता है, तो उसके इरिटेशन की वजह से इतना भारी भरकम वजन है, अगर अपनी सूंड से भी किसी को धक्का मारेगा तो वो बंदा नहीं बचेगा, है ना। तो इसलिए मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है ना, इसको रिड्यूस करने की हमने कोशिश करनी है। ठीक है, तो मंदिर के अंदर हम रोबोटिक उसका इस्तेमाल करें, बजाय कि हम किसी असली हाथी का इस्तेमाल करें। उसको अगर अच्छे से खाना नहीं देंगे तो देखो उसके साथ तो बेचारे के साथ हम अत्याचारी कर रहे हैं ना, वो अपना जंगल में भड़िया खा पी रहा है और हम उसको लाके मंदिर में बिठा रहे हैं, जहां पे उसके खाने पीने का भी हम ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए जो है बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है केरल गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ पॉइंट्स करते हैं, और ये मैकेनिकल एलिफेंट जो है वो टेंपल के सारे रिचुअल्स करेगा। ठीक है, जैसे कि भाई जो भी कुछ होता है जल चढ़ाना वगैरह, ठीक है, ये करेगा। राइट, इसको पेटा इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है, इन्होंने ये हमारे पास ये बना के दिया है हमें, और इसका एलिफेंट का नेम रमन रखा है, बड़ा अच्छा नाम रखा है ना। ठीक है, वेट है इसका 800 किलो और चार जो है लोगों को कैरी कर सकता है ये। ठीक है जी, पार्ट्स जो होंगे एलिफेंट के, जैसे कि आईज, ईयर्स, माउथ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे। ऑब्वियसली जैसे भी हमने बात की है, बेटा ये रोबोटिक है ना, तो रोबोट है तो रोबोट का तो इलेक्ट्रिसिटी से ही काम होने वाला है। ठीक है, क्यों किया, जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट जो है उसको हमने रिड्यूस करना है अपने देश में। पेटा इंडिया डिज़ाइन करती है, हाँ पेटा इंडिया ने इसको डिज़ाइन किया है ताकि इसको हम मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकें, वही बात यहाँ पे कही हुई है जो हमने डिस्कस की थी। पेटा इंडिया क्या है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, ये वो लोग हैं जो एथिकल ट्रीटमेंट करते हैं एनिमल्स के लिए, मतलब एनिमल का इस्तेमाल करो लेकिन यार उसको, उसके ऊपर अत्याचार मत करो। ठीक है जी, तो इसके लिए पेटा बना था, और मुंबई में ये एक एनजीओ है, और 2000 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स पेटा से याद रखना है। बाकी सबसे धमाकेदार क्वेश्चन तो यही है कि पहली बार इतिहास में ऐसा कोई काम हुआ है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड शिवमोगा एयरपोर्ट इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी, किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर शिवमोगा एयरपोर्ट को जो है प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी जो है वो रिसेंटली क्या किया है, इनॉग्रेट किया है। तो बेटा कर्नाटक के अंदर किया है, और इसका जो पैसा लग रहा है वो 450 करोड़ है। ठीक है जी, 450 करोड़ लगे हैं। इसका जो पैसेंजर टर्मिनल है वो लोटस की शेप में है, और कम से कम 300 से ज़्यादा पैसेंजर्स को ये अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है जी, और इसके साथ साथ देखो फाउंडेशन स्टोन रखा गया कुछ नए रेलवे प्रोजेक्ट्स का, रोड प्रोजेक्ट्स का, बाईपास और नए ब्रिजेस का, और इसी के साथ साथ पीएम किसान स्कीम में भी 13th इंस्टॉलमेंट जो देनी थी इस कर्नाटका के अंदर देनी थी, वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने रिलीज कर दी है। ठीक है जी, अभी बात सबसे मेन क्या आती है कि शिवमोगा एयरपोर्ट जो है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि शिवमोगा में एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाए। एक्चुअली शिवमोगा तुंगा नदी के किनारे पे है, और ये सबसे बड़ा सेंटर है, वर्ल्ड रिनाउंड सेंटर है सिद्धा और आयुर्वेदिक मेडिसिन का। जिन लोगों का कैंसर वेंसर जैसी बीमारियां हैं उनके भी इलाज अगर नहीं हो पा रहे हैं ना, तो ऐसी बीमारियों के इलाज भी यहाँ पे संभव हो रहे हैं। ठीक है जी, तो बहुत फेमस है, आपने शिवमोगा के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही नहीं भाई, फॉरेनर्स भी आते हैं, फॉरेन कंट्री के भी बहुत सारे लोग आते हैं और आके अपनी बीमारियों से निजात पाते हैं। बहुत तरीके की बीमारियों का ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक और सिद्धा तरीके से यहाँ पे किया जाता है। ठीक है जी,
तो इसलिए कि शिवमोगा के अंदर आने वाले लोगों को कोई तकलीफ ना हो, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया चलता रहे, अगर इनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उनको वो ज़रूरत प्रोवाइड करवाई जाए, इसलिए जो है शिवमोगा एयरपोर्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है जी, तो ध्यान में रखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिनाउंड है ये एरिया किसके लिए, सिद्धा और आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, द 2023 T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप वॉज वन बाय ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है और आप लोगों ने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप वुमेन जो है वो जीत गई है। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ था? ये हुआ था बेटा साउथ अफ्रीका में। ठीक है जी, और आपको ये भी पता होगा कि फाइनल राउंड में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ही थे। ठीक है, फाइनल्स में यही पहुँचे थे, इंडिया सेमीफाइनल में भी बाहर हो गई थी बेचारी। ठीक है जी, कोई गाल नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंट्स हमने याद रखने हैं। साउथ अफ्रीका में ये हुआ है, फाइनल्स में साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलियन विमेन जो है T20 वर्ल्ड कप कम से कम 6वीं बार जीती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना, 6th टाइम जो है ऑस्ट्रेलियन विमेन जो है T20 जीत कर लाई है, और इंडिया जो है सेमीफाइनल्स के अंदर ही बाहर हो गया था। ठीक है जी, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चन याद रखना, और ऐसा ही क्वेश्चन अच्छा याद रखने वाला होता है जिसके अंदर आपको कुछ वर्ल्ड कप्स वगैरह के बारे में सवाल आते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल है, द कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज इज टू बी हेल्ड इन विच कंट्री। कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज किस कंट्री के अंदर की गई है? ये एक्सरसाइज बेटा यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुई है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। ठीक है जी, सो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़े हम लोग। जो प्रॉपर प्लेस है वो है विडिंगटन एयर फोर्स बेस इन UK। इन मार्च 2023 के अंदर ये एक्सरसाइज की जाएगी। ठीक है जी, इज टू बी हेल्ड है ना, यानी कि होगी अभी ये मार्च के महीने में। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कंट्रीज जैसे कि सिंगापुर, फिनलैंड, USA, इंडिया, साउथ अफ्रीका और स्वीडन पार्टिसिपेट करेंगे। इतनी कंट्रीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम जनरली ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि क्या इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, देन यस, इंडिया ने बिल्कुल जी पार्टिसिपेट करना है। ठीक है जी, इंडियन एयरफोर्स अपनी तरफ से 5 मिराज 2000 फाइटर्स को भेजने वाली है, IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट्स को भेजेगी, और 2 C-17 ग्लोब मास्टर्स जो हैं वो भेजे जाएंगे। ठीक है जी, इस एक्सरसाइज में रॉयल एयरफोर्स जो है, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स है, ठीक है, ये ट्रेनिंग देगी पायलट्स को अलग अलग कंट्रीज, जैसे कि ये लोग आएंगे ना, तो इनके पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। कहा जाता है कि ये एक्सरसाइज इस वर्ल्ड की सबसे चैलेंजिंग एक्सरसाइजेज में से आती हैं। ठीक है, बहुत रेयर ही लोग होते हैं जो इनकी स्पेशल ट्रेनिंग जो है उसको कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ बैकग्राउंड से सवाल आप याद रखना, जैसे इंडिया UK की मिलिट्री एक्सरसाइजेज हम याद रखें, नेवी के साथ नेवी के साथ जो है UK के साथ हमारी जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है कॉनकन, एयरफोर्स एक्सरसाइज का नाम है इंद्रधनुष, और आर्मी का नाम है अजय वॉरियर। उसके अलावा ये तो मल्टीनेशनल है ना कोबरा, ये तो और भी देश पार्टिसिपेट करेंगे, ये बेसिकली इंडिया वाली हैं। ठीक है जी, तो इंडिया UK की मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी हम याद रखेंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है हमारा, आज का आखिरी सवाल, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज्ड हाउ मच मनी अंडर द PM किसान स्कीम। PM किसान स्कीम क्या है? देखो, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो है प्राइम मिनिस्टर, PM का मतलब तो प्राइम मिनिस्टर है, किसान का फुल फॉर्म क्या है? किसान सम्मान निधि ये स्कीम है। इस स्कीम के अंदर क्या है, PM मोदी जो है, जैसे 2000 रुपये जो हैं वो मतलब 6000 रुपया देना होता है, 2000 का क्वार्टर बना के जो है उसको देना होता है फार्मर के बैंक अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अभी हाल ही के अंदर इसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने और पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया है, और ज़्यादा मनी रिलीज किया है। तो कितना किया है जी? 16,800 करोड़। ठीक है जी, तो ये पॉइंट थोड़े से हम याद रखेंगे। PM किसान 2019 में आया था, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है फार्मर्स को जो भी हमारे देश में है, 6000 जो है वो एनुअली प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है जी, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 16,800 करोड़ दोबारा से मतलब इसके अंदर और इन्वेस्ट किए हैं देने के लिए। तो इसके साथ हम कम से कम 80 मिलियन फार्मर्स को जो है वो कवर करने वाले हैं अपने देश में। और ये स्टार्ट कहाँ से किया है? बेलावी कर्नाटका से। ठीक है, तो याद करो वो वाला क्वेश्चन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि वहाँ पे और भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लगाए गए हैं मोदी जी के द्वारा, और उसमें हमने पढ़ा था ना कि 13th जो है PM किसान वाला जो है इन्होंने दिया था। ये देखिए, वापस आ जाइए आप, अभी आपको याद आ जाएगा।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने किया था ना शिवमोगा एयरपोर्ट वाला क्वेश्चन किया था, तो 13th इंस्टॉलमेंट जो है वो जो है दी गई है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान में रखने हैं। सो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आपसे आज की क्लास के लिए, तो कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस, बाय बाय गाइज़।